नमस्ते बच्चों। बच्चों आप कौन कौन से खेल खेलते हो बताओ तो जरा। अच्छा खो खो, कबड्डी, बिल्लस, गिल्ली डंडा और कौन से खेल खेलते हो? क्रिकेट, फुटबॉल। बहुत बढ़िया, सभी खेल खेलते हो ना। खेल में हार जीत लगी रहती है, जीतने हारने की दृष्टि से खेल नहीं खेलने चाहिए। खेल में अच्छा खेलने की, मिलजुल कर खेलने की भावना प्रमुख रहनी चाहिए। हारने पर न तो जीतने वाली टीम से ईर्ष्या करने की भावना होनी चाहिए, ना जीतने पर हारने वाली टीम को नीचा दिखाने की भावना होनी चाहिए। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ऐसे ही पाठ को आज हम पढ़ रहे हैं, पाठ 11, जीत खेल भावना की। अध्यापक जी के ऑफिस के आगे भीड़ लगी हुई थी। कुछ लड़कों ने सुरेश को इतना मारा था कि उसका सिर फूट गया था। सब इस बात को जानते थे कि यह काम महेश और उसके साथियों का है। सुरेश और महेश की दुश्मनी पूरे स्कूल में जाहिर थी, मगर बात इतनी बढ़ जाएगी इसकी किसी को भी उम्मीद न थी। प्रधान अध्यापक जी के बात पूछने पर भी सुरेश ने महेश का नाम नहीं बताया। प्रधान अध्यापक जी ने एक बार फिर पूछा, बताओ सुरेश यह किसका काम है, उसे जरूर सजा दी जाएगी। नहीं सर, मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया था इसलिए चोट लग गई। मगर प्रधान अध्यापक जी को भनक लग गई थी कि वार्षिकोत्सव की तैयारी करते समय सुरेश और महेश में कुछ कहासुनी हो गई थी। हर बार सभी खेलों में सुरेश अव्वल आता था। अव्वल, अव्वल का मतलब है प्रथम, पहला आना। आगे देखे, इस कारण महेश उससे ईर्ष्या करने लगा था। उसके कुछ साथियों ने उसके इतने कान भरे कि वह सुरेश को अपना दुश्मन समझने लगा था। उसका नतीजा आज सबके सामने था। सुरेश को अस्पताल ले जाकर पट्टी करवा दी गई। चित्र में आप देखिए कितना चोट लगा है सुरेश को, साथ ही सिर में कुछ टांके भी लगे। फिर उसे घर भेज दिया गया। दूसरे दिन हाल खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग, मीटिंग का मतलब बैठक। वातावरण एकदम शांत था। प्रधान अध्यापक जी बोले, कल हमारे स्कूल में जो घटना हुई है उससे मुझे गहरा आघात पहुंचा है। आघात, यहाँ पर आघात का मतलब है चोट पहुंचना, दुख पहुंचना। आगे देखते हैं, मुझे दुख है कि हमारे स्कूल की शिक्षा को कुछ छात्रों ने सही ढंग से ग्रहण नहीं किया। महेश और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनकी धमनियों में रक्त जम गया हो। महेश सोच रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सुरेश ने उसका नाम प्रधान अध्यापक जी को बता दिया हो। हाय, अब क्या होगा, महेश सोच में पड़ गया। सुरेश को मारते वक्त वह इतना हिंसक हो गया। हिंसक का अर्थ है बच्चों, हिंसक यानी मारने वाला। आगे है, मानो उस पर शैतान सवार हो गया हो। उसने आगा देखा ना पीछा, स्टिक से सुरेश के सिर पर कई वार किए। यहाँ पर स्टिक, स्टिक का मतलब है हाकी खेलने की छड़ी। सुरेश जब लहूलुहान हो गया तो डर कर महेश व उसके दोस्त भाग गए। लहूलुहान होने का मतलब है यहाँ पर खून से लथपथ होना। आगे देखते हैं, तभी प्रधान अध्यापक जी की आवाज सुनकर महेश की तंद्रा भंग हुई। यहाँ पर तंद्रा का अर्थ है ध्यान। वे कह रहे थे, मगर सुरेश ने मेरे बहुत पूछने पर भी उस छात्र का नाम नहीं बताया जो उसे इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार है। यदि वह छात्र अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसे कोई सजा नहीं दी जाएगी, अन्यथा पता चलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। हाँ, एक बात और, प्रधान अध्यापक जी थोड़ा रुक कर आगे बोले, इस बार वार्षिकोत्सव खेल रद्द किया जाता है। खेल अगर आपस में सहयोग, प्यार की भावना का संचार करने में
असफल रहता है तो कोई फायदा नहीं ऐसे आयोजनों का जो आपस में ईर्ष्या और देश की भावना को जन्म दे। खेल अगर खेल की भावना से खेला जाए तभी अच्छा है। अच्छा, अब आप सब जा सकते हैं। सभी छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। उधर महेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी। वह ग्लानी के कारण स्वयं से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह सोच रहा था कि सुरेश चाहता तो उसे सजा दिला सकता था। फिर उसने मन ही मन अपनी गलती स्वीकार की और प्रधान अध्यापक जी के पास जा पहुंचा। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही सुरेश की इस हालत का जिम्मेदार हूँ, कहते हुए महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, तुम्हें गलती का एहसास हो गया, यही मैं चाहता था। तुम सुरेश से माफी मांगो, तुमने उसे गहरा आघात पहुंचाया है, प्रधान अध्यापक जी बोले। सर, एक विनती है आपसे, महेश आंसू पोंछते हुए बोला। आप वार्षिकोत्सव खेल रद्द न कीजिए, मैं वायदा करता हूँ कि हम खेल को खेल की भावना से ही खेलेंगे, उसे ईर्ष्या का कारण नहीं बनने देंगे। ठीक है, प्रधान अध्यापक जी बोले। नियत समय पर खेल उत्सव शुरू हुए, जैसा हमेशा होता आया था। सुरेश इस बार भी सभी प्रतियोगिताओं में विजयी रहा। सभी शिक्षकों के मन में आशंका थी कि कहीं फिर कोई हादसा ना हो, मगर सबकी आशंका के विपरीत महेश आगे बढ़ा और सुरेश से बोला, बधाई हो सुरेश, वास्तव में मेहनत ही सफलता की हकदार होती है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो? सुरेश बोला, अगली बार तुम्हें भी सफलता जरूर मिलेगी, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मतलब है अभ्यास, बोलो स्वीकार है? महेश की आंखों में आंसू आ गए, बोला, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? क्यों नहीं? सुरेश और महेश दोनों प्रधान अध्यापक जी के पास पहुंचे। प्रधान अध्यापक जी खुश थे कि उनका प्रयास बेकार नहीं गया। तो बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? तो आपको समझ में आया ना कि हमको खेल को खेल की भावना से ही खेलना चाहिए, आपसी सहयोग और प्रेम की भावना से खेलना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम इस पाठ के कुछ अभ्यास कार्यों को करेंगे। यहाँ पर देखिए, आपको प्रश्न पहला दिख रहा है, महेश सुरेश से ईर्ष्या क्यों करता था? क्यों करता था बताओ तो? हाँ, सुरेश खेल में हमेशा अव्वल आता था, इसलिए महेश उससे ईर्ष्या करता था। प्रश्न दूसरा देखिए, यहाँ पर महेश को आत्मग्लानि क्यों हुई? अपनी गलती और सुरेश की उदारता के कारण आत्मग्लानि हुई। उसके बाद प्रश्न तीसरा देखिए, यहाँ पर प्रधान अध्यापक जी ने वार्षिकोत्सव रद्द करने की बात क्यों की? क्योंकि हाँ, खेल को खेल भावना से नहीं खेले जाने के कारण प्रधान अध्यापक जी ने वार्षिकोत्सव रद्द करने की बात की। उसके बाद प्रश्न चार देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए खाली स्थान भरना है। यहाँ पर दिए हैं विशेषण शब्द, दस, भारतीय, मीठे, छोटे, इनका उपयोग करके हमको खाली स्थान को भरना है। क में देखिए, रमेश खाली स्थान मीटर कपड़ा लाया। कितना मीटर कपड़ा लाया? हाँ, यहाँ से देखकर बताइए, 10 मीटर। बहुत बढ़िया रमेश, 10 मीटर कपड़ा लाया। ख वाला खाली स्थान देखिए, राजेश के पास खाली स्थान फल है। कैसे फल है? हाँ, आप यहाँ से देख सकते हैं, मीठे। बहुत बढ़िया, राजेश के पास मीठे फल हैं। ग खाली स्थान को देखिए, रवि खाली स्थान नागरिक है। बताइए कैसा नागरिक है? भारतीय। बहुत बढ़िया, रवि भारतीय नागरिक है। और घ वाला खाली स्थान को देखिए, राहुल खाली स्थान बच्चों को पढ़ाता है। छोटे, राहुल छोटे बच्चों को पढ़ाता है। बहुत बढ़िया। अब उसके बाद प्रश्न पांच को देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं कि नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं जो एक वचन में है, उन्हें बहुवचन में परिवर्तित करके पुनः लिखना है। क है, बकरी चना खा गई। ख, छात्र का उत्साह ठंडा पड़ गया। ग, चरवाहा
भैंस चराने गया। घ लेखक ने कहानी लिखी। यह सभी एक वचन में है, हमको इनका बहुवचन बनाना है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा बहुवचन। का बकरी चना खा गई, इसका बहुवचन क्या बनेगा? कोशिश करिए आप। बहुत बढ़िया, बकरियां चने खा गईं, इसका बहुवचन है बकरियां चने खा गईं। ख है छात्र का उत्साह ठंडा पड़ गया, ये एक वचन है, इसका बहुवचन क्या बन जाएगा? छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। बहुत अच्छे। ग देखिए, चरवाहा भैंस चराने गया, अब ये एक वचन का बहुवचन क्या बन जाएगा? चरवाहा भैंसे चराने गया, ठीक है। उसके बाद ख को देखिए, लेखक ने कहानी लिखी, इसका बहुवचन क्या बनेगा भाई? चलिए बताइए, सभी प्रयास कीजिए। बहुत अच्छे, लेखक ने कहानियां लिखी, ठीक है बच्चों। अब अभ्यास कार्य के बाद आपके लिए कुछ गृह कार्य के प्रश्न हैं, जिसको आपको अपने घर में अपने अभ्यास कॉपी में लिखना है। प्रश्न पहला है, क्या महेश ने सुरेश के साथ ठीक किया? अगर तुम महेश की जगह होते तो क्या करते? सोचकर लिखो। दूसरा प्रश्न है, खेल भावना के संबंध में 10 वाक्य लिखो। हमने अभी इस पाठ में पढ़ा है ना, तो आपको इसमें मदद जरूर मिलेगी इस प्रश्न का उत्तर लिखने में। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, अपने प्रदेश में प्रचलित विभिन्न प्रसिद्ध खेलों और उनके खिलाड़ियों के बारे में जानकारी एकत्र कर लिखो। इसके लिए आप अपने बड़े भाई बहनों की मदद ले सकते हैं, समाचार पत्रों का सहयोग ले सकते हैं, कुछ पत्रिकाओं का सहयोग ले सकते हैं। उसके बाद इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, अब हम अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।